फरीदाबाद के जिला उपायुक्त कार्यालय पर आज विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों ने हजारों की संख्या में हरियाणा महासंघ के बैनर तले सरकार की वादा खिलाफी जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कहा कि सरकार ने उनकी कुछ मांगों में से 6 मांगों पर सहमति जताते हुए कहा था कि उनकी 6 मांगे मान ली जाएंगी और हरियाणा के कर्मचारी को 1 नवम्बर को हरियाणा दिवस के मौके पर यह मांगे लागू कर दी जाएंगी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं करके उनके साथ वादा खिलाफी की है, इसलिए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर जेल भरो की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे अलग अलग सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं जो आज हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर फरीदाबाद के जिला उपायुक्त के कार्यालय पर सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि उन्होंने 20 सितंबर को करनाल में रैली की थी, जिसके बाद सरकार ने उन्हें मिलने के लिए 18 अक्टूबर मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हुई थी। सरकार के सामने उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी थी, जिनमें से सरकार ने उनकी 6 मांगों पर सहमति जताते हुए यह आश्वासन दिया कि उनकी ये मांगे 1 नवंबर को यानी कि हरियाणा दिवस को लागू कर कर्मचारी को तोहफा देंगे, लेकिन इस सरकार ने 3 साल पूरे होने के बाद भी कर्मचारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज वह लोग सरकार की वादा खिलाफी के चलते जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर जेल भरो की मांग करने पहुंचे हैं, और यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो वे आगे की रणनीति बनाकर इससे भी बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। वही उपायुक्त ने इस मौके पर कहा कि सरकार इनकी डिमांडों पर विचार कर रही है, उन्होंने इनका ज्ञापन प्राप्त कर सरकार को इनकी भावनाओं से अवगत करा दिया है और इनकी सिंबॉलिक गिरफ्तारी कर ली गई है। इनकी जो डिमांड है सरकार लेवल पर बात चल रही है, सरकार सहानुभूति पर विचार कर रही है, जो हम इनकी जायज डिमांड है मांगे हैं वो सरकार पहले भी विचार करे और आगे भी विचार किया जाएगा, लेकिन हमने सरकार को इनकी भावनाओं से अवगत करा दिया। लेकिन ये गिरफ्तारी करने के लिए आए थे तो उसके लिए ये सिंबॉलिक होती है, सिंबॉलिक हमने अरेस्ट किया इनको।